Hello students, so today in this lecture we will discuss about differential equation for heat flow in one dimension. So write down differential equation for heat flow in one dimension. So ये टॉपिक रो नेम रो ही तुम्हें जानी पड़ थुबा हमें कौन इतने कैलकुलेशन करिबा ना हीट फ्लो करुची को डिरेक्शन रे ना वन डायमेंशन रे गोटे पर्टिकुलर एक्सिस रे हमरो कौन करुची ना हीटटा फ्लो करुची तारा हमें बाहर करिबा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन तक हमें सॉल्व करिबा. ओके सो फास्ट हमें कंसीडर करिबा गोटे वन डायमेंशनल सिस्टम जो थरे की हीट फ्लो करुची. Suppose this is a rod. This is a rod which is elongated along, suppose x axis. Suppose this is x axis. X axis re amara rod ta the length ta align koruchi ko direction re na x direction re. Aw e rod ra length me hi jiba kete na small l. So at x is equals to 0 इटा हूँ x is equals to l है तापरे हमारा हीट टा फ्लो करिबो ए बॉडी देखी हीट हमारा फ्लो करिबो ता तरह बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली गोटे हूँ ना इफ u इज द टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम u द टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ बोथ x and t. Both x and t vary करले कौन अपना temperature भी vary करिबो. So u x t is the temperature of the material at any instant of time t. तो यहाँ में नेले टेम्परेचर बट तर बाउंड्री कंडीशन होची एट दिस पॉइंट एट बोथ द एंड पॉइंट्स दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल ए दुटा पॉइंट रे कौन हम ना टेम्परेचर जीरो रहा कारण आम टेम्परेचर को यू जीरो कहीं ना बाउंड्री कंडीशन ना आम दरकार कौन ना हीट फ्लो करुच्ची जो तार इक्वेशन. सो हीट कौन गोटे मूविंग कंडीशन रे हीटटा रहुचि तो आम तार ही डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करिवा तेणु बाउंड्री कंडीशन कौन नेले ना. सो बाउंड्री कंडीशन होची यू एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स मुझे लिखिपरि एक्स जगह जीरो एंड टाइम टी इज इक्वल्स टू यू एट पोजिशन एल एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो जेकोसी टाइम भी आम ए दुटा एंड पॉइंट को कौन नहीं ना टेम्परेचर जीरो बोल कि कनसीडर करपोज आट टाइम जो टाइम जो स्टार्ट ही नाने हिटटा एंड पॉइंट नेणु हिटटा सपोज ए पॉइंट्रे अच्छी है आम कनसीडर कले सपोज यहाँ हूँ गोटे एक्स पॉइंट एक्स रोटे पर्टिकुलर वैल्यू रोच ए पॉइंट रे हैला. सो ए पॉइंट रे एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो एक्स जीरो सो पोजिशन एक्स एंड टाइम जो स्टार्ट होनी तो आम टेम्परेचर टाक नहीं पोजिशन तो ए पोजिशन यू केवल फंक्शन ऑफ एक्स. सो यू एक्स जीरो इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एट टी इक्वल्स टू जीरो जितेबाला इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन में कौन थी ना टेम्परेचर दुटा को एंड्रे जीरो एंड गोटे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पॉइंट रे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू रोचे आते बड़े कौन हम ना एक्सटा बढ़ी बढ़ी जीव तो टेम्परेचर से अनुसार कौन हम ना डिक्रीज करते एल लेंथ थ्रू रे पास कर लेंथ जिते बढ़ी बढ़ी जीव
एंड दैट मीन्स एक्स जो इनक्रीज करते कौन हम ना टेम्परेचर डिक्रीज कर अल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम अल्सो जो टाइम बड़ी बड़ी हिट फ्लो कला मैंने कौन आम टाइम जीरो नहींचे टाइम स्टार्ट कले यू स्टार्ट कले तो टाइम में बढ़े बढ़े चलिए हिटटा कौन हम धीरे धीरे कमी कमी जी मेटेरियल लास्ट को ये कौन हो जीरो बुझेगा तो ये आमर कंडीशन ये कंडीशन को नहीं आम ए तार डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा सो तुम्हें हीट इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन आमको जना अच्छी केते ना डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर इनटू डेल यू बाय डेल टी एटा होची कौन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और एटा को हमें कहू कौन ना डिफ्यूजन इक्वेशन सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन सो हियर सी स्क्वायर टा हो कौन आमर यूटा तो आम जान लें टेम्परेचर एक्स जान लें पोजिशन टी जान लें टाइम एंड सी स्क्वायर हूँ गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी जो कन्स्टांट को आम कहू ना कन्स्टांट अफ डिफ्यूजिबिलिटी अफ द मेटेरियल सॉरी कॉन्स्टेंट ऑफ डिफ्यूजिविटी कॉन्स्टेंट ऑफ डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल हैला एटा हमर हैला वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन रो डिफरेंशियल फॉर्म तो आम एबा ना सॉल्व करिबा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स दो इट कैन बी सॉल्वड बाय यूजिंग द लाप्लास इक्वेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म बट हियर we will solve the equation by using the separation of variables method kemti ame separation of variable karu na dekho ame janiche u is the function of x and t so eto ga ame separate kar deba dita quantity re gote hochi x jota ki only function of x a gote hochi t which is only function of the time okay so ei dita ra product misile ए क्वांटिटी हम व्हिच इज बोथ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है तो और आम या यूज करवा तो आम ब्राकेट टर्म छाड़दा खाली लिखा कौन ना इक्वल्स टू एक्स टी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू हियर एक्स इज ओनली फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड कैपिटल टी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टाइम तो युवा तुम्हें भी लैंग्वेज लिखला बेल एग्जाम लिखिपार तापर आम कौन करवा ना इक्वेशन टू को आम पुट करवा कौटी ना इक्वेशन नंबर वन यू रैल्यू आम ए पुट करवा सो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू दैट मीन्स एक्स एंड टी इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ एक्स टी तो अब आम जानचे टीटा डिपेंड करूनी एक्स ऊपर टी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टाइम सो हियर टी इज टेकन एज कांस्टेंट सो डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू इटि कौन हम ना एक्सटा कांस्टेंट क्वांटिटी हो कारण एक्सटा डिपेंड करनी टाइम उपरे तो ये आम लिखिपर एक्स बाय सी स्क्वायर डेल टी डिवाइड बाय डेल स्मॉल टी नाउ टोटली एक्स टर्म को आम गोटे साइड को नहीं आसवा टाइम टर्म को आम गोटे साइड को आनवा तो एक्सटा को एल एच एस टर्म को आने के ना वन माइनस एक्स डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइमटा को एपट साइड को नहीं आसले के ना वन बाय सी स्क्वायर इंटु वन बाय टी बाय डेल स्मॉल टी दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सो इन द एल एच एस टर्म इज द ओनली फंक्शन ऑफ पोजिशन आर एच एस टर्म इज द ओनली फंक्शन ऑफ टाइम सो केते बेले दुटा समान हे जिते बड़े दुटा गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी सहित समान हे कारण एटा ओनली फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड एटा ओनली फंक्शन ऑफ टाइम सो वी कैन राइट
1 by x del square x by del x square ए टर्म टा हम एउटा कांस्टेंट क्वांटिटी नै जिवा k बोली की स्मॉल k हैला सिमिलरली एठे हमें नबा कोण 8 RHS टर्म को भी k सहित समान कर देबा 1 by c square 1 by t by del small t is equals to also k. So, एटा का में लिख पारी बार del square x by del x square एटे एपटा x टाइटी multiply ही गली जुआ kx तापर आमें तको एपटो गुने आसे minus कर देबा. So, एटा ही जुआ minus kx is equals to 0. Suppose this is equation number 4 and एठे भी सेमती आमें करी बार del t by del small t minus k c square t is equals to 0. Suppose this is equation number 5. हला, आम कोई भी कौन मिलना ना, दीटा equation मिलना, equation 4 and equation 5. ता आमें जानी ने, what is the value of k? आमें k को नहीं गले पाण, what a constant quantity. So, we have taken k as is constant quantity. So, there are 3 possible cases. K can be negative, K can be positive or K can be 0. So, हमें अभी कौन करीबा ना, तीन टा केस नहीं की देखीबा. K को फास्ट नबा positive, तापरे K को नबा 0, तापरे K को नबा negative, तापर देखीबा हमारो से अंसरे solution केमती चेंज होची. हैला, तापर write down case number 1. So, एटो का मैं आगोटे पेज रे करीबा, सॉल्व आमरो equation 4 and 5 कौन थिला ना equation number 4 थिला आमरो del square x by del x square minus kx is equals to 0 थिला equation number 4 and equation number 5 कौन थिला ना del t by del small t minus k c square t is equals to 0 रखला equation number 5 तो आमें एबे case 1 रे कौन नबा ना k टकु आमें नबा positive quantity so when k is greater than 0 that means positive तो k पॉजिटिव केम थेबो ना हमें सपोज निजबा k को गोटे स्क्वायर टर्म रे लिखिबा p स्क्वायर सपोज सो स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव यदि p टा नेगेटिव हेथिबो त स्क्वायर भी पॉजिटिव हबो यदि कि p टा पॉजिटिव हेथिबो ताले भी तर कोन हबो ना स्क्वायर टा पॉजिटिव हबो तो हमें नै गले p स्क्वायर देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 सो Now, we can write equation 4 as del square x by del x square k jagare likhiba p square into x is equals to 0. Similarly, equation 5 ko ame likhipariba itte na k jagare minus p square likhiba del t by del t minus p square c square t. is equals to 0 हम लिख परिबा तापरे del by del x टर्म को एटा को सपोज दे देबा इक्वेशन नंबर 6 एटा को दे देबा इक्वेशन नंबर 7 सो नाउ इक्वेशन 6 को हम फर्स्ट सॉल्व करिबा सो del by del x is equals to capital D नहीं so equation 6 becomes D square minus P square into X is equals to 0 so the auxiliary equation is auxiliary equation के तेना हम क्या मतलब लिखूं M square minus P square is equals to 0
सो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. सो एम इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो प्लस और माइनस पी है. तर सल्यूशन टा के हम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पी देन एक्स इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस पी एक्स है. यहाँ बाहर आम एक्स रैल्यू सेमती आम बाहर करवा इक्वेशन नंबर सेभेन को. सो नाउ इक्वेशन सेभेन सेभेन रे आम कौन पाइबा सेमती डेल बाय डेल टी को नहीं जावा आम डी. सो यटा को आम लिखिपर डी माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटु टी इज इक्वल्स टू जीरो. सो ना आर ऑक्सिलरी इक्वेशन केते हबो सो नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम्स एम माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. सो एम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर. सो टाइम आमर के बाहर टी जोटार सल्यूशन इक्वेशन नंबर सेवेन रखे ना टी. सो टी व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल्स टू आ गोटे कन्स्टांट नहीं जाए सी थ्री एटी जेहतु सी वन एंड सी टू अलरेडी नहीं सारे. सो एटी आम ना सी थ्री ई टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. तो आम जाचे कौन ना यु इज इक्वल्स टू एक्स इंटु टी. सो द सल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन बाय टेकिंग के इज द पॉजिटिव क्वांटिटी बिकम्स सो सपोज इटा इक्वेशन एट एंड इक्वेशन नाइन. सो बाय यूजिंग इक्वेशन एट एंड नाइन में कौन पाइले सॉल्यूशन यू विच इज फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी सी वन ई टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू सी थ्री ई टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी है. यहाँ आम पाइले गोटे सल्यूशन. यहाँ आम गोटे सल्यूशन गलापर आम नवा आ गोटे केस के वैल्यू जीरो पुट करकी. सो केस टू व्हेन के इज इक्वल्स टू जीरो के जगह रे जीरो पुट करदे खाली आम को इक्वेशन रे पुट करवा इक्वेशन नंबर सिक्स सॉरी इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव रे हमें पुट करवा के जगह रे जीरो. तो यहाँ के आसा आस स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर आसो ओनली कारण आमर के एक्सटा जीरो. सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो. सो एबे आमे एक्स वैल्यू केमती पाइबा डेरिवेटिव अच्छी ताकु इंटीग्रेट करवा बोथ साइड को. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ताले केते आस जीवो गोटे डेरिवेटिव कैंसल ही जीवो तो केते रहबो ना डेल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर जीरो प्लस गोटे कांस्टेंट टर्म आसो से कांस्टेंट टर्म में जीवा सी फोर. एबे एक्स रे वैल्यू केमिति करबा ना आउ थरे इंटीग्रेट करबा ताकु. सो अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एटा के आसो ना एक्स इज इक्वल्स टू
सी फोर एक्स प्लस आ गोटे कन्स्टाट क्वांटिटी आसो सी फाइव। सिमिलरली आम इक्वेशन नंबर फाइव को फाइव रे के वैल्यू जीरो पुट करवा यहाँ ओनली के डेल टी बाय डेल स्मॉल टी इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये कौन करवा ना इंटीग्रेट करवा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। On both sides एटा केते आसिबो ना t which is function of t एटी function of x x is the function of x is equals to खाली गोटे constant quantity आसिबो c6 हैला। एबे कौन करिबा एटा को equation number दे देबा suppose 9 जाइथिला एटा 10 एटा suppose 11 so now put equation 10 एंड इक्वेशन 11 इन द हीट इक्वेशन जोटा मोर थिला केते नंबर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थिला यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टी तो सेटी पुट कर दवा जस्ट खाली मल्टीप्लाई कर दवा सो यू एक्स टी इज इक्वल्स टू इक्वेशन 10 इंटू इक्वेशन 11 एटा मोर आ गोटे सल्यूशन आम पाइले। तापर आम ना केस थ्री अलरेडी आम सारे के वैल्यू पॉजिटिव चेक कर सारे तापर केस के वैल्यू जीरो चेक कर सारे देन के वैल्यू एवं ना आम नेगेटिव टर्म। सो केस थ्री व्हेन k is negative that means less than 0 less than 0 ame kemti naba na k ko nei jiba minus of a square term jodi gote l re value di plus aithibo tar square he ki plus hobo then negative sign achi negative hobo minus bhi aithile minus ro square plus and negative sign achi eta bhi negative hobo to eta ko ame use kariba कोई इक्वेशन रे पुट करिबा इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव रे तो के वैल्यू जगह लिखा आम माइनस एल स्क्वायर। सो फर्स्ट फोर इक्वेशन हो डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन फाइव के डेल टी बाय डेल स्मॉल टी प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये लिख से दुटा इक्वेशन को सो वी गेट डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हम जब डेल बाय डेल एक्स को डी नहीं जीवा जमती फर्स्ट केस रे नहीं थिले तो यहाँ के डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कमन आसो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एवं तार ऑक्सिलरी इक्वेशन के डी जगह एम लिखद आम तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल स्क्वायर ताले एम रो वैल्यू के हम गोटे आयोटा टर्म आस प्लस और माइनस आई इंटू एल इमेजिनरी टर्म ये आस जाऊँ तो तार सल्यूसन के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ। सो एक्स इज इक्वल्स टू सो एक्स व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आम कन्स्टाट जा सी सिक्स तो आम ये ना सी सेभेन कॉस एल एक्स प्लस सी एट साइन एल एक्स साइन आउ कॉस फॉर्म आसो। तापर सेम आम टाइम इक्वेशन को लिखा यहाँ के इक्वेशन फाइव टा डेल बाय डेल टी माइनस के सी स्क्वायर टी। सो के जगह आम लिखा माइनस एल स्क्वायर सो एटा प्लस हो एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू जीरो।
that means if del by del t is d, so d plus l square c square, time is constant, t is equals to 0. Now the auxiliary equation, m plus l square c square is equals to 0. तो m रे वैल्यू कितने आसो माइनस एल स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ताल आमर सल्यूसन के टी टाइम टाइम के आसवि एम एक गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी सी नाइन ई टू द पावर माइनस एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू टी सॉरी यू एक्स टी from case 3, so u x t is equals to amare etiki thila ta u x t is equals to put kar diya ei value ko c7 cos lx plus c8 sin lx into c9 e to the power minus l square c square t. So this is the another solution. हमें तीनटा केस नहीं कि तीनटा टेम्परेचर रा वैल्यू पाइले यू रा वैल्यू हमें पाइले ला को को इक्वेशन हमें पाइले देखो एटा फर्स्ट गला तापर हमें पाइचे एटा को पाइचे. तो ये तीनटा इक्वेशन भितर ये तीनटा सल्यूसन भितर कौटा आम नहीं पारा कौटा गोटे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सल्यूसन कौटा हम जस्ट टे खाली माइंड खर्च कर कौटा को आम नहीं पारा एप्रोप्रिएट सल्यूसन हिसाब से हिट इक्वेशन रल्यूसनटा के देख आम आगु पढ़ीचे ना कौन आगु कही हिटा सपोज ए डिरेक्शन आम रडटा थिला तो एम जिते लेंथ हमें के ना एल नहीं थिले तो एल जिते बढ़ी बढ़ी हिटा कौन एठी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमें यू को नहीं थिले 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू एल एठी भी यू को नहीं थिले हमें 0 तो हिटा ओनली फ्लो करुची बॉडी रे तो एठी गोटे फंक्शन नहीं थिले जेकोसी अलग पोजिशन व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 देयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स and when time increases or when we can say that l value increases heat ta kon mana decrease kari kari jibo through the material hala jete ame upper side ku jiba heat re value jodi maximum thibo ta value kami 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 jibo hala to tahale eti dekho ei equation ta only when we take k value ta negative no che ei value jagar dekho l re value एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सम क्वांटिटी अच्छी तो ये टी रो वैल्यू जदि बढ़िबो एटी कौन हम ना यू रो वैल्यू कमी जीव तो ए इक्वेशन टा ओनली हमर सुटेबल सॉल्यूशन. सो दस द ओनली सुटेबल सॉल्यूशन फॉर हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन इज आम के पाइले ना एज इक्वेशन यू एक्स टी इज इक्वल्स टू सी 7 कॉस एल एक्स प्लस सी 8 साइन एल एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी जेहेतु कौन हूँ एल रो वैल्यू बढ़िले कि टी रो वैल्यू बढ़िले आमर हिटा डिक्रीज करुच्ची जोटा आमर जो कंडीशन नहीं कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची तो यहाँ आमर फाइनल सल्यूसन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. ओके.